सूबाई वजीर मंजूर हुसैन वसान ने पेशगोई की है कि 14 जून से 15 जुलाई तक नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं रहेंगे और एक बड़ी तहरीक भी चलेगी, वकला भी मैदान में अमल में आ जाएंगे। हो सकता है जुलाई तो खतरा ही खतरा है, जून में भी हो सकता है, लेकिन जुलाई तो खतरा ही खतरा है। 15 जून के बाद जुलाई नवाज शरीफ साहब के लिए खतरा है। ख्वाबों के सियासी जादूगर ने मरियम नवाज के मुस्तकबिल के हवाले से पेशगोई करते हुए कहा, मरियम नवाज रिप्लेस हो जाएंगी, वो रुकन कौमी असेंबली नहीं है। कौमी असेंबली के जो रुकन हैं उनमें से ही कोई वजीर आजम बनेगा। मरियम नवाज के लिए ये मसाइल हैं कि इलेक्शन फिर एमएनए उसको लड़ना पड़ेगा, ऑलरेडी एमएनए हैं तो उससे चुनने में आसानी होगी। मंजूर वसान का एमक्यूएम के हवाले से कहना था कि एमक्यूएम लंदन, पाकिस्तान और पाक सरजमीन तीनों धड़े एक हो जाएंगे। एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान एक थे, एक हैं, और आगे चल करके जब इलेक्शन नज़दीक आएगी तो तीनों धड़े इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। सूबाई वजीर मंजूर वसान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि जब तक ज्वाइंट सेक्रेटरी की मुद्दत बढ़ाई जाती रहेगी तो आम इंतखाबात साफ और शफाफ होना मुमकिन नहीं है। कैमरामैन बिलावल चांडियो के साथ आजाद नोडियो 24 न्यूज कराची।